हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो गाइस, बहुत दिनों से मतलब हम दोनों बीमार चल रहे थे, बहुत ज्यादा दवाई वगैरह, दो महीने हो गए थे, तो हमने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, बस शॉर्ट से काम चला रहे थे। तो अभी हम दोनों बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि हमने बहुत टाइम बाद अपना यूट्यूब ऑन करके देखा, क्योंकि अभी तक ना पिंकी चला रही थी हमारा यूट्यूब, ना उसने हमें कोई अपडेट दी। तो अभी मतलब मैंने यूट्यूब ऑन करके देखा तो मैं सोचा मैं डायरेक्ट आपको अपनी मतलब शादी की एल्बम भी दिखा दूं और आपको बता भी दूं। आपको तो पता ही चल गया होगा कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और उससे ज्यादा मेरे नहीं, हमारे मेरे मतलब, हाँ वो भूमिका नाम से चैनल है, तो मतलब हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब उससे ज़्यादा ही हो गया है यार। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट ऐसा मुझे लग रहा है कि मिल रहा है मेरे को, और आगे आगे मैं और वीडियो बनाऊंगी तो और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मुझे। थैंक यू सो मच यार 5000 सब्सक्राइबर करने के लिए। और आज मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको मैं अपनी मतलब खुशी जाहिर करूँ। और केक वेक हम खा नहीं सकते क्योंकि कन्नू को और खाता है टाइफाइड, और मैं तो वैसे ही हमेशा की बीमारी हूँ, मैं तो बीमारी रहती हूँ, तो हम केक नहीं खा सकते ना हम काट सकते। पर पिंकी जब आएगी तो हम केक कट करेंगे और बहुत ज़्यादा, अब तो मैं सोच रही हूँ 10K की खुशी में करें, क्योंकि वो पूरा आधा आधा हो जाता है ना पूरा, तो 10K की खुशी में हम केक कट करेंगे। तो अभी मेरा मेन मोटिव था ये बताना, और दूसरा था कि मेरे को मेरी शादी की एल्बम आ चुकी है, तो शादी की एल्बम मुझे आपको दिखानी है। तो अभी मेरे घर वाली तो वहीं पर है और मेरी यहाँ वाली यहीं पर है, तो मैं ये वाली दिखाऊँगी ससुराल वाली आपको, तो दिखाती हूँ मैं आपको। चलो इन्जॉय करते हैं फिर एल्बम, आइए देखते हैं। मेरी नहीं, हमारी हमारी मतलब ससुराल वाली एल्बम है ये मेरी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे मेरी मेरी बोलने की आदत हो गई है। ये देखो, उल्टी खोल दी मैंने। ये देखो, पहले ये देख लो ब्यूटीफुल गर्ल को, दिखाना जरा जूम करके। कनिष्क वेट्स भूमिका, पास आओ पास आओ। ये देखो, ये मेरी कितनी प्यारी फोटो ली है, और ये वाली, ये गाइस देखो कितना हैंडसम बंदा। हाँ ये देखो, और ये हम दोनों की कितनी अच्छी फोटो आई है ना, स्टार्टिंग में इन्होंने लगाई है वेडिंग मोमेंट्स। और देखो हमारी शादी हुई थी 9/2/2023, ठीक है। तो अब मैं आपको एल्बम दिखाती हूँ ओपन करके। ये तो ब्लैंक है, ये तो ब्लैंक है, आगे होगा ना, पोपट हो गया क्या। ये देखो गाइस कितना मतलब कितनी प्यारी एल्बम बनाई है उसने, मज़ा आ गया। और ये वाली फ़ोटो मेरी फेवरेट है, ये वाली थोड़ा पास करके दिखा दो, ये वाली फ़ोटो अच्छी है ना, इतने अच्छे लग रहे हैं इसमें, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए बनी है ये एल्बम। बस इधर दिखाऊँ, ये देखो ये कितने अच्छे, ये वाला पोज देखना, पता नहीं क्यों लिया, किस्मत फूट गई क्या हो गया, ये वाला पोज पता नहीं, ये सबसे ही दिलवाते हैं लग रहा है मुझे। ये देखो कितना अच्छा पोज है, कितने प्यारे लग रहे हैं हम इसमें। ये देखो ये हमारी जय माला की फ़ोटो, वाह कि प्यारे लग रहे हैं इसमें। ये देखो बहुत अच्छी मतलब एल्बम बहुत ज़्यादा प्यारी है। अभी ये देखो, ये है कन्नू के दादाजी, कन्नू के पापा के पापा, मतलब ये मेरे ससुर के ससुर, मतलब ये मेरे दादा ससुर ससुर के ससुर ने ससुर जी के पापा। और ये कन्नू की बुआ है, और ये देखो ये इनके में कोई रिवाज होता होगा तो ये वो वाला रिवाज है, मुझे पता नहीं है। ये मेरी सास है, ये मेरी चाची सास है, ये मेरी मौसी सास है, ये मेरी बुआ सास है, ये मेरी मामी सास है, और ये मेरे बुआ के जवाई हैं यार, बहुत बड़ा रिश्ता है। ये मेरे ससुर जी हैं, इनको दिखाओ, ये इनको हैं दिखाओ ससुर जी, ये दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। अरे मेरे चाचा ससुर हैं, ये देखो ट्विंस लग रहे हैं, ट्विंस दिखाना इनको, दिखाना इनको, ये देखो ट्विंस लग रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और ये है ब्यूटीफुल वुमेन दादी, मेरी दादी इतनी सुंदर है ना, ये देखो गाइस क्यूट सी कितनी प्यारी है। और ये है मौसा जी ससुर जी, और ये मामा जी हैं। और आगे देखो, ये देखो ये कितने खुश, सबसे ज़्यादा खुश यही थे, और ये सबसे ज़्यादा बीमार हो गए थे शादी में, बैड लक था कि ये शादी में नहीं आ पाए, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। और ये मेरे सास ससुर हैं, ये मेरे जेठ हैं जिनको मैंने देवर का रुतबा दे रखा है, क्योंकि ऐसी हरकतें करते हैं देवर वाले। ये मेरी नानी है, ये नानी है, ये बुआ का लड़का है, ये भी जेठ है मेरे दोनों। ये वैसे कहते हैं बिल्कुल मेरी तरह लगते हैं, ट्विंस लग रहे हैं दोनों, हम लग रहे हैं ना एक साथ। और ये भी अच्छे हैं, ये भी जेठ हैं दोनों मेरे। और ये देखो वाह वाह वाह, कितने मतलब क्या ही सुंदर लग रहे हैं यार। ये है मेरे इकलौते देवर,
आ रहे हैं, ये हैं और एक और हैं, एक लौते नहीं है मतलब एक और हैं, शिवम भी है, ये देखो खूबसूरती की मिसाल, सुंदरता। और ये देखो यहाँ पे डांस चल रहा है, घुड़चड़ी की फोटो है, ये सारी डांस कर रहे हैं, बताओ। ये देखो घोड़े में बैठ के डर भी लग रहा है। हाँ। ये है कन्नू की बुआ की लड़की पूजा दीदी, ये मेरी बुआ जी की लड़की है, मेरी दीदी। ये देखो कन्नू की मामी को, ये सबसे सुंदर लग रही है शादी में। ये देखो आर्यन का एक फेस दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे भैया सबसे ज्यादा खुश हैं, सभी खुश हैं। मामी की रैंडम क्लिक कितनी अच्छी आई है देखो। हाँ। सारी अच्छी आई है उनकी रैंडम क्लिक। जैसे कभी कभी हो जाता है ना कहीं हमारा टेढ़ा वेढ़ा मुंह, पर इनका सब में अच्छा है। मौसी जी की ये वाली फोटो है और एक आगे है, क्योंकि फिर ये चली गई थी हॉस्पिटल, इनकी आ नहीं पाई फोटो ज़्यादा। वही होता है ना, जिसको आना होता है वही आ पाता है फिर। तो पीछे करो, ये देखो ये है मंदिर की, मंदिर में गया था पूजा करने, शिव जी की पूजा हो रही है यहाँ पे, ताकि हमारी शादी में कोई विघ्न ना आए। और वैसे विघ्न आता भी नहीं। ये देखो यार ये मेरी रथ देखो आप एक बार, क्या मस्त थी ना, लग रही है। हाँ। और ये है कन्नू की सिस्टर्स, ये दोनों और ये दोनों, ये मौसी की लड़की, ये मामी की लड़की, ये मौसी जी, ये मौसी है कन्नू की, मौसी है ये, इनको जूम करके दिखाओ जी रही। ये मौसी है, इतनी सुंदर, ऐसा लग रहा है कि सारी सिस्टर है, मौसी लग भी नहीं रही है, इतनी अच्छी लगती है वो। और ये कन्नू की दादा की साइड के परिवार वाले हैं सारे, ये देखो भाई साहब कितना, ये वाली पे फोटो बहुत प्यारी आई है, ये वाली। हाँ। ना सुंदर आई है ये वाली फोटो। और ये मोमेंट बहुत अच्छा था, ये मोमेंट देख लो, मेरे साले साहब ने मुझे गोदी में उठाया था, बहुत प्यारा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरी साली, मेरी फेवरेट साली है बहुत ज्यादा, एक्सप्रेशन देखो मेरे एक बार मेरे। तुम भी सुंदर हो, मतलब साली मतलब है ना भाई, साली से अटैचमेंट होता है एक अलग तरीके का, तो अच्छी लगती है हमें भाई। तुम भी अच्छी हो, तुम्हें किसने कहा, कोई बात नहीं यार, जेलस होती है हमारे रिलेशन को देख के। अब ये आ गए मेरे, और ये मेरे पापा, मेरे दोनों पापा एक ही फोटो में, देखो ये देखो मेरे दोनों पापा एक ही फोटो में है। ये मेरे को लगता है दुनिया के सबसे सीधे इंसान है दोनों, दोनों ही। हाँ सही बात है। ये है मेरे जीजू, और ये कन्नू की बहन है, मौसी, भाई। और ये हो रही है पूजा, जमाई की पूजा होती है, ये हो रही है। ये देखो ये कितनी अच्छी फोटो आई है इन दोनों की, बहुत अच्छी आई है फोटो। ये पंडित जी हैं लड़के वालों के, ये पापा ने मेरे घड़ी दी है सोने की। हाँ, सोने की घड़ी सोने की घड़ी दी है, गोल्डन गोल्डन कलर की है, तो सोने की हो गई ना। गाइस वाह 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 वाह, तुम्हें उम्मीद थी वैसे, मतलब तुम्हारे दूल्हा जब मैं आया था, नहीं इतना सुंदर, मतलब नहीं कौन सुंदर दूल्हा। अच्छा ये कन्नू के आधे तो दोस्त हैं, आधे रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार हैं इनका, हमें पता नहीं है तो मेरे को बता नहीं सकती ज़्यादा। अब ये आ गई सुंदरी, जिसे बोल सकते हैं ना सुंदरी, मतलब बहुत ज़्यादा हाँ। वो आ गई, उसकी एंट्री हो चुकी है, देख लो गाइस ध्यान से देख लो, ध्यान से, दूल्हे से तो ज्यादा ही अच्छी। वैसे सारे ब्लॉगों में आपने मास्क में ही देखा होगा, आज आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, कितनी सुंदर। और सब लोग अब मेरे को कमेंट करके बताना मेरा ये नेकलेस कैसा है, क्योंकि सबने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी है, और मैं पार्लर वाली को स्पेशल थैंक्स बोलती हूँ। और ये देखो सबसे अच्छी फोटो है ये वाली, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो सारी जन्नतें, किसी के साथ ना हो पता नहीं किसके साथ हो। ये देखो अभी यहाँ पे मैं सैड हो गई थी कि मेरे को अब जाना पड़ेगा, ये जयमाला हो रही है, ये देखो नाक कटवा दी लड़के ने झुक के, फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी झुक जाती हूँ, दिखाओ फॉर्मेलिटी नहीं करते ना हम यार। ये देखो यहाँ पे देखो जयमाला सेरेमनी, यहाँ पे आ गए कन्नू के रिश्तेदार सारे, ऑल ओवर रिश्तेदार है, बहुत लंबी हो जाएगी लिस्ट अगर मैं बताऊंगी सबका। तो आगे देखो आप पोज, हमारे ऐसे ऐसे पोज लिए थे उन्होंने, ये कन्नू के रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इनोसेंट है लगती हैं, पता नहीं। ये देखो नानी की फोटो,
वाह, इनका तो मैं इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। ये देखो, ये हमारी फोटो लगाई है साथ में, ये है मेरी ससुराल वाली फैमिली, ये वाली, और यहाँ पे मेरी घर वाली फैमिली भी आएगी। ये देखो, ये देखो मेरी कितनी अच्छी फोटो है, ये मेरे भाई बहन, वाह, और ये मेरे देवर और जेठ, और ये मेरी घर वाली फैमिली है। घर वाली मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरा भाई। वाह, अभी से तेरा मेरा कर दिया, देख रहे हो फैमिली में भी। हाँ, हमारे तो कुछ नहीं है ना। ये देखो खाना खाते वक्त ऐसी फोटो आई है सबकी। गाइस अभी एक दिखाऊंगा, अगर फोटो मिलती है तो मुझे मिलेगी, मिलेगी जरूर, मिलेगी मिलेगी, आपको दिखाऊंगा। इधर दिखाओ, अब ये आ गया है। ये पहाड़ियों को तो पता ही होगा, समधी समधन दे रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं था कुछ भी, पहाड़ियों को तो पता ही होगा ये दे रहे हैं इनको। और ये मामा मामी बैठे हैं, उनकी बेटी सिया बैठी हैं, और ये नेहा, खुशी, आर्यन सब बैठे हैं। ये हो रहा है मेरा कन्यादान, सारे पहाड़ियों को तो पता ही होगा ऐसा ही होता है कन्यादान, तो मेरा भी ऐसे ही हुआ है। मैं अपनी मम्मी की तरह लग रही हूँ ना यहाँ पे। हाँ, सेम सेम, औरत लग रही हूँ यहाँ पे मैं पूरी। ये देखो कितना सुंदर, और ये मेरे पास है और बहुत प्यारा है। यहाँ पे अंगूठा पकड़ा दिया है, और अंगूठा पकड़ के चलना है। और ये मेरी दादी, बहुत टाइम, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है दादी, ये मेरी दादी है। ये देखो यहाँ पे हम दोनों, ये देखो मंगलसूत्र पहना दिया है। ये वाली फोटो मेरी अच्छी आई है, अच्छी है। ये वाली दिखाओ, इधर करो, दिखाओ। ये देखो, ये आग जल गई थी तो मेरे एक्सप्रेशन देखना कैसे हो गए थे। यहाँ पे तुषार मेरे को जयमाला की वो फेरे के लिए वो दे रहा है, खीले होते हैं ना वो गिराते हैं। अरे मेरी फोटो कितनी अच्छी आई है, मैं यहाँ पे खुश थी बहुत। यहाँ पे हो रहे फेरे, ये यहाँ पे सिक्का गिरवाते हैं, और सिक्का गिरा के क्या बोलते हैं, अमीर से अमीर भी आ जाएगा तो भी मैं तेरे साथ ही रहूँगी। हाँ, ऐसे बोलते हैं। इधर दिखाओ, ये भरदी मांग, भरदी वो लाल खून, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मेरे सब्सक्राइबर्स। हाँ, मैं जानती हूँ ना, एक चुटकी सिंदूर, झाड़ू झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और मैं जानता हूँ इनके मेकअप का खर्चा, शॉपिंग। नहीं भाई, नो, कोई मत करना शादी। ये वाली फोटो तो कन्नू को फ्रेम करा यार, ये फोटो देखो कितना अच्छा, मतलब ये मेरे पैर धो रही है इसमें, ये फर्स्ट टाइम था मेरे ख्याल से। पैर धो के सर पे रखे हैं, सर पे रखे हैं, फर्स्ट टाइम थी। और ये फोटो मैं फ्रेम करवा के बड़ी करवाऊंगा, क्योंकि ये पता नहीं मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, साइड फेस मेरा कितना अच्छा आ रहा है इसमें। मैं अपनी तारीफ वैसे करती नहीं हूँ, कभी कभी करती हूँ अपनी तारीफ। ये देखो, बताओ मुंह देख रहे हो कितनी भूख लग रही है, मतलब ये मुंह मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। और ये मेरे पापा की स्माइल देखो एक बार, वाह, कितने खुश है, मजा आ गया इनको, अपनी शादी की याद आ गई होगी। ये देखो सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पे एक एक करके हमको। इधर दिखाओ, अब ये आ गए हम अपने घर में। यहाँ पे पहले पूजा हुई, उसके बाद मैं अपनी मम्मी के साथ रोई, फिर मैं अपनी मौसी के साथ रोई, फिर ये हो रहा है। अब मैं यहाँ से उतर गई हूँ सीढ़ियों से नीचे, और ये देखो ये मेरी दीदी है, मेरी अच्छी वाली, पापा के साथ विदाई के लिए। और ये मेरी दीदी तो दिखाओ, ये भी रो रही थी कितना, ये मेरी दीदी भी रो रही। गाइस, पूरी शादी में एक मेरी साली ही थी जिसकी आंखों में एक आंसू नहीं थे विदाई के, बहुत पक्का दिल है, बहुत पक्का। ये मेरी दोस्त है, इसको देख के मैं बहुत रोई थी, मेरी मम्मी इतना रो रही है, मेरी बहन नहीं रोई, देखो हंस रही है अभी भी, ये हंस रही है। और ये मेरे भैया, ये मेरे फेवरेट भैया मेरे, और ये मेरी भाभी, और ये मेरा पति दुकाना पास से। ये देखो, ये देखो, कोई कोई लड़का भी रो सकता है क्या? क्यों, लड़कों के पास इमोशंस नहीं होते क्या यार? यार, और ये है कार, कार सजवा नहीं पाई क्योंकि हमारी कोई दिक्कत हो गई थी, क्योंकि क्या दिक्कत हो गई थी, हमारी मौसी जी की तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए। और ये हो गया दी एंड, जिंदगी का एल्बम का शुरुआत है जिंदगी की, एंड नहीं है। और ये हो गया बैक, ये देखो गाइस बैक भी कितनी, ये वाली फोटो अच्छी नहीं बनाई ना, ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, मतलब ऐसे कलर में तो ज्यादा अच्छी भी लग रही है। ये फोटो कितनी अच्छी गाइस, देखो ये फोटो बहुत प्यारी लगती है, ये वाली फोटो मुझे फ्रेम भी करवाऊंगी मैं, देखो गाइस। बस आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी एल्बम, हमारी एल्बम,
हाँ मुझे मेरी मेरी बोलने की आदत हो गई क्योंकि इसमें मैं हूँ ना, मेरे को इसलिए मैं भी तो हूँ। तो ये एल्बम मतलब आपको अच्छी लगी होगी यार, क्योंकि बहुत अच्छी आई है और इसमें आपको बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी तरफ इतने सारे रिवाज होते नहीं हैं, पर हमारी तरफ बहुत सारे होते हैं, हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ होता है। तो वो वाली एल्बम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। और अगर आपने ये पूरी एल्बम देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा नेकलेस कैसा लग रहा था, क्योंकि मुझे पार्लर वाली से फिर वो ऐसे ख़रीदना है और फिर मैं फिर से ऐसा मेकओवर लूँगी और फिर मैं रील्स भी बनाऊँगी उसमें, इसलिए मेरे को पहले आप बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है फिर गाइस, बस मेरा यही था मोटिव। और नेक्स्ट टाइम पे हम केक काटेंगे क्योंकि सब्सक्राइबर हो चुके हैं बहुत सारे, थैंक यू सो मच। ओके तो बाय बाय, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।